घर से तो मैं आ गया। अब जैसे कि मैंने देखा कि रील्स पूरे दिन में स्क्रॉल करते रहता हूँ, जब भी फ्री टाइम है तो रील देख रहा हूँ, कुछ देख रहा हूँ। मतलब कि मिलता क्या उनको देखे, कुछ नॉलेज नहीं मिलती, कुछ तो मिलता ही है इंस्टाग्राम पर भी देखने के बाद। बट मैंने सोचा कि क्यों नहीं, जब मैं दिन में 10 घंटे अगर फ्री में 10 घंटे मैं रील देख रहा हूँ, इससे अच्छा मैं 1 घंटा ब्लॉगिंग कर दूँ। रोज़ नहीं कर सकता, रोज़ वाला मेरे पास फ्री टाइम नहीं है, तो हफ्ते में एक बार एडिटिंग सीख गया बंदा कुछ भी करने के बाद। तो प्लेटफॉर्म अच्छा है यूट्यूब, सब कर रहे हैं, तो मैंने भी सोचा कि ना करके एक बार अपनी किस्मत आजमाई जाए, देखा जाए। तो मतलब इतना भी घूमते हैं कुछ भी करते हैं, वो चीज़ यूट्यूब पे डाल दी, पसंद भी है मुझे। कभी किया भी था मैंने स्टार्टिंग में, कुछ वीडियोज़ डाली थी, अभी भी मेरे को आती नहीं है ना तब आती, तो मैं सिर्फ डाल देता था यूट्यूब पर। तो ये 10-12 हज़ार सब्सक्राइबर आए थे क्योंकि मैंने एक बार साहिल खान की एक वीडियो डाल दी थी, उसके वजह से सब्सक्राइबर भी थे। तो मैंने सोचा आज साइबर हब से मैं स्टार्ट करता हूँ अपनी ब्लॉगिंग, तो ये मैं साइबर हब में आ गया हूँ। जैसे ये मुझे पता है कि इसमें साइबर हब में आपको मोस्टली सब ने हर चीज़ यहाँ दिखा ही रखी होगी, कुछ नया दिखाने वाला तो है नहीं इसमें। तो जस्ट ये मेरा, इसको मेरे अकॉर्डिंग ये इसकी एंट्री है जो मैंने सोचा दिखा दी जाए। अब ब्लॉगिंग कर रहा हूँ तो उसके रूल्स एंड रेगुलेशन भी फॉलो कर ही दिए जाए। एक यहाँ मैंने सुना था यहाँ बीरा टैप रूम खुला हुआ है आजकल, तो मैं सोच रहा हूँ कि यहीं से स्टार्ट करूँ मतलब अपनी ब्लॉगिंग की जर्नी। अब मुझे ये पता नहीं एग्जैक्टली है कहाँ पे ये बीरा टैप रूम, बट सुना है कि खुला है यहाँ पे। बीरा वालों ने अपने फ्लेवर्ड जो यहाँ पे बियर हो गई या कुछ भी इन्होंने यहाँ पे अपना स्टार्ट किया, तो यहीं से स्टार्ट करूँगा मैं आज फॉर श्योर। बाकी ये आप देख रहे हो, पता ही है आपको नॉर्मल क्या है, साइबर हब किस लिए फेमस है। जैसे मुझे साइबर हब में आके एक चीज़ दिखी है, इसमें लोग क्या कर रहे हैं, जाके अपनी फ़ोटो खिंचवा रहे हैं और इनको लग रहा है कि यहाँ जाके कुछ फ्री का मिलेगा। मुझे भी ऐसा लग रहा है, यहाँ पे फ़ोटो खिंचाओ और फ्री का कुछ अपने कोक ले जाओ। अब मैं ट्राई करूँगा मिल जाएगा, तो क्या है इसमें ठंडा। मुझे लग रहा था कि इसमें फ्री में कुछ मिलेगा, लगे टुल्लू फोटो वोटो मैंने खिंचवा ली, फोटो ये सोचा कि फ्री में कुछ मिलेगा, और बाद में देखा यहाँ देखो कि 60 रुपये पे करो फिर जाके कोक लो। भाई मैं बाहर में पी लूँगा इससे अच्छा यहाँ आके क्यों पीऊँगा। चलो कट गया। अब देखिए जो भी यहाँ पे हमेशा आया ही होगा तो उसने ये ट्रेन देखी होगी, मेरे तो बच्चे हैं नहीं है, नहीं तो मैं भी किसी को घुमाता इसमें, खुद तो बैठूँगा। हाइट थोड़ी ज़्यादा है कि इसमें नहीं आऊँगा। यहाँ मतलब आओ तो टाइम पास होने के लिए, क्या ना कि बढ़िया जगह है। सीरियसली बाकी किसी को मुझे पता नहीं जब फर्स्ट टाइम जब साइबर हब आए थे क्या था उसमें क्या नहीं था, लेकिन जब मैं फर्स्ट टाइम साइबर हब आया था ना तो मुझे लगा ही नहीं था कि मैं इंडिया में हूँ। मतलब जम्मू एक टाउन है, वहाँ पे कटरा में बॉर्न हुआ, उसके बाद जम्मू में घूमा कितना ही घूमा। जब फर्स्ट टाइम मैं कज़िन के साथ अपने आया था गुड़गांव साइबर हब में, तो मतलब अच्छा इतना अच्छा लगा कि इंडिया में ये चीज़ है। जो आए हैं जिनके लिए नॉर्मल है उनके लिए तो साइबर हब दिल्ली क्या है, जो गुड़गांव में ज़्यादा हुए हैं कुछ भी है, बट जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा ना मुझे लगा यार भाई ये इंडिया में जगह, तो मतलब कैसे यहाँ पर ये आउटलेट्स खुले हुए हैं, फिर बार पब सब एक ही मतलब रूफ कह सकते हैं ना, एक ही रूफ के नीचे। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा था ये साइबर हब की मतलब। सीरियसली अब मैं आया तो यहाँ पे था बीरा के टैप रूम के लिए, मतलब सोच के नहीं आया घर से, बट इतना पता था कि चलो वहाँ जाऊँगा अगर गया तो। बट आके तब से मुझे 1 घंटा हो गया और मैं देख रहा हूँ बस, घूमता जा रहा हूँ इधर उधर इधर उधर, भीड़ के बीच में फ़ोटो खींच रहा हूँ कभी कुछ। साथ में एक दोस्त आ रखा है मेरे, तो कर क्या रहा हूँ मुझे तब से पता नहीं, बट पता भी नहीं है मेरे को बीरा भाया कहाँ पे, जो मतलब बीरा का टैप रूम खुला हुआ है। अब मैं तब से यहाँ घूम रहा हूँ, बस क्या कर रहा हूँ कुछ पता ही नहीं, फ़ोटो खींच रहा हूँ रील बना रहा हूँ, जाता हूँ कब दूसरे में यहाँ पे आया हूँ और मुझे मिल ही नहीं रहा ऐसा लगता है। बाकी देखते हैं नेविगेशन में मेरा हमेशा से ये रहा है कि मिलता नहीं है मुझे जल्दी कुछ, ढूंढना पड़े तो। अब मैं ढूंढ रहा हूँ बीरा का वो जो टैप रूम है, तो जहाँ का उसका उन्होंने लिखा था नाउ ओपन स्टार्टिंग में, जहाँ से मैं आया था मेट्रो स्टेशन से उतर के, तो वहाँ पर मुझे मिला नहीं। घूमा 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 बिल्डिंग के चारों तरफ घूमा मतलब साइबर हब के, तो अब जैसे यहाँ पर एक जगह लिखा है नाउ ओपन, और सिक्योरिटी गार्ड से भी पूछा तो उन्होंने बोला कि यहाँ से लेफ्ट जाओ। देखता हूँ अब कहाँ पे मतलब क्या, मैं तो ऐसे ही रहा हूँ कि मुझे थोड़ा अच्छा लगा था वहाँ पे
सुना है उसके बारे में तो। बाकी अब फाइनली मुझे ये मिल गया टैप रूम, मतलब ये क्या था कि मैं ढूंढ रहा हूँ, बिल्कुल मेरी आंखों के सामने था, मैं ढूंढ ही नहीं पा रहा हूँ। ये मिनीसो है, मिनीसो के साथ में ये बीरा का टैप रूम है जो मैं ढूंढ रहा हूँ तब से। मतलब ये बीरा का क्या है ना कि ये एक इंडिया की, इतना मुझे बता सकता हूँ जैसे सब लोगों को पता भी होगा कि इंडिया की एक कंपनी है जो बियर बनाती है, अपनी मैन्युफैक्चर करती है, और बहुत फेमस और बहुत टेस्टीएस्ट बियर्स की इनके वैराइटीज़ हैं। तो इन्होंने अपना टैप रूम एक कैफ़े खोल दिया जिसमें ये माइक्रो ब्रूवरी बियर्स भी देते हैं, और क्या क्या है बाकी अंदर जाके देखते हैं। मैं तब से ढूंढ रहा हूँ, देखो कहाँ जाके मिला। बिल्कुल ये मिनीसो के साथ में जितना, मतलब किसी को ढूंढना भी पड़े तो। तो भाई अब मैं जैसे यहाँ पे आ तो गया अंदर, मुझे टेस्ट का समझ नहीं आ रहा था कि कौन सी बियर की जाए, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा वैराइटीज़ हैं यहाँ पे टेस्ट मतलब बियर की, इतनी ज़्यादा वैराइटीज़ में कुछ समझ में आना चाहिए कि क्या बियर इंसान। मैंने क्या किया, चॉइस में ना इनका एक टेस्ट का सैंपल आता है वो चारों मंगवा दी, पहले देख लेते हैं जो चारों में जितनी की लगी वो पी लेंगे, नहीं तो उसके बाद चारों में टेस्ट करके अपना काम बन गया मेरे टैप रूम में आने का भी, और चारों में सैंपल भी, मतलब 500-600 रुपये में इनके सैंपल के चार ही आ जाते हैं, साथ में चिकन विंग्स भी आ गए। मैं जैसे अकेला रखा था मेरे लिए चार सैंपल ये पीने में बहुत है, मैं तो साथ में चिकन विंग्स मंगा लिए, और ये इनका कुछ ये मतलब नाम है इनका भी है। जैसे मैंने ये चार फ्लेवर मंगाए ना, मतलब टेस्ट करने के लिए सैंपल के इस पे, इसमें ये चॉकलेट वाला पी के देख रहा हूँ भाई, इसका रिएक्शन जब मैंने पिया ना, मतलब वेटर भी मुझे देखे हंस रहा है, क्या मेरा रिएक्शन। बीरा कैफे से तो आ गया, टेस्ट ठीक ठीक था और बीच में ऐसा था जो मुझे पसंद नहीं है जैसे वाइन का टेस्ट। अब जाके ना यहाँ पे मतलब ज़्यादा मतलब क्राउड हो जाता है यहाँ पे, जब अपना साइबर में देख लेते हैं जैसे ये यहाँ पे क्राउड बढ़ जाता है इस टाइम पे, इस टाइम पे होता है यहाँ सही वाला क्राउड। तो अब मैं जहाँ पे मेरे को आना था बीरा कैफे में, मेरा काम तो हो गया भाई जिसके लिए मैं यहाँ पे आया था, तो चलते हैं घर पे या तो देखते हैं कहाँ जाएंगे यहाँ से। तो ब्लॉग को यहाँ करते हैं ख़त्म, टाटा बाय बाय।